अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी बता रहे हैं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स में दही हमने लिया आधा किलो, बेसन लिया आधा किलो, इसमें से हम आधा कढ़ी पकौड़ा के जो बनाएंगे वो उसके लिए और आधे पकौड़ों के लिए। प्याज लिया हमने आधा, और ये नमक है हमारा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टी स्पून हमारा ये हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये गरम मसाला। अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ी के लिए पहले हम बैटर उसका तैयार करेंगे। ये नमक हमने लिया हुआ, नमक डाल देंगे, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इन सब चीज़ों को डाल के पहले हम दही में मिक्स करेंगे, फिर बेसन इसमें डालेंगे। अभी बेसन हम 1 कप भर के और आधा कप और बाकी हम पकौड़ों के लिए रख देंगे। ये 1.5 कप हमने डाला बेसन, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, हमने पतला सा इसका बैटर बना दिया। अब हम चढ़ाएंगे तो इसका डबल पानी हम कढ़ी में डाल के पकाएंगे, क्योंकि 4 से 5 घंटे हमारी कढ़ी में पकना है, तो हम पकाना शुरू करते हैं। ये अब हम पकाने के लिए डाल रहे हैं। पानी डाल दिया इसके अंदर, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, फिर इसको पकाएंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे, तकरीबन हमने 3 लीटर पानी इसमें डाला है। अब ये बॉईल होने तक हमने इसको चमचे को हिलाते रहना, और ये प्याज जो हमने बारीक बारीक आधी कटिंग की थी ये इसमें डाल देंगे, फिर इसको बॉईल आने तक चमचा हिलाते रहना, ताकि हमारी जो बेसन इसमें डला हुआ वो लगे ना। ये हम अब अपना पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं। ये हमने प्याज लिए, एक छोटी सी प्याज हमने चॉप कर ली है, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको भी हमने बारीक कटिंग कर ली है, ये हरा धनिया है, ये हमने साबुत धनिया लिया हुआ है 1 टीस्पून है, उसको मोटा मोटा कूट लिया, 2 चुटकी हमने मीठा सोडा लिया है, 1 टीस्पून हमारा ये लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून हमारा नमक है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम सा बनाना, बहुत ज़्यादा नरम ना हो, जो आसानी से पकौड़े फ्राई हो जाए हमारे। ये कढ़ी का बैटर हमारा तैयार हो गया, और ये कढ़ी भी हमारी बॉईल हो गई है। अब इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे 3-4 घंटे के लिए। ये देखें, हमारी कढ़ी तैयार है। इसमें हमने प्याज डाली थी वो घुल गई है। देखें, इतनी गाढ़ी रखनी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि जब इसमें पकोड़े जाएंगे तो ये खुद ही थिक हो जाएगी। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। हो गए, निकाल देंगे इसमें। साथ ही कढ़ी में डाल देंगे इसको, इस तरह फ्राई करके हम सारे डाल देंगे। सारे पकोड़े फ्राई करके इसमें डाल दिए। अभी इसमें गरम मसाला डाल देंगे, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये मिक्स करेंगे।
अब फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। हम तड़के की चीज़ें तड़का लगाएंगे। ये प्याज लिया हमने, आधी प्याज है, और ये ज़ीरा है, और ये थोड़ी सी हमने मेथी दाने लिए हैं, और साबुत लाल मिर्च है। जिस तेल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे इसी में हम प्याज डाल देंगे, और साथ ही साबुत लाल मिर्ची। कड़ी हमारी तैयार है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारी मज़ेदार कड़ी तैयार है।